Sir, I have a doubt in rotational motion. There are 7 identical circular discs. Each of mass 7 and radius r welded symmetrically. One at the center and the other 6 around its surface. Then what will the movement of inertia of arrangement about the axis normal to the plane through point P which is at the circumference of the outer disc? तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो सेवन को प्लेनर डिस्क है यहाँ पर इस तरीके से, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ सात, ठीक है, सेवन को प्लेनर डिस्क होगी। अच्छा देखो यहां पर इनकी रेडियस जो है वो आर दी हुई है सबकी, ठीक, सबकी रेडियस आर है और आपको एक ये पॉइंट दिया हुआ है पी। इस पॉइंट पी के अक्रॉस आपको यहां पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो देखो जैसा कि हमको पता है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ सेंटर के अबाउट पूछा होता तो हम डायरेक्टली बता सकते थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या रहता है, 1/2 mr2। लेकिन यहां पर उसने एक पी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया भाई। अच्छा ये जो क्वेश्चन है कि जेई मेंस 2018 में पूछा गया था, ठीक। अच्छा इसी टाइप का एक और दूसरा क्वेश्चन में इसमें नीट में भी पूछा गया है, ये जेई मेंस में पूछा गया है 2018 में, लेकिन इसी टाइप का एक क्वेश्चन सिमिलर नीट में भी पूछा गया है। कहां तक पूछा गया है कैसे वो अभी मैं बताऊंगा, फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर निकालेंगे, ये सेंटर के अबाउट, ये वाला जो सेंटर है ना, इस सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक अकेले डिस्क का 1/2 mr2 होगा। और अगर हम सारी डिस्क का 7 डिस्क का निकालें तो 1/2 mr2 × 7 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 7 डिस्क अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा I1, इसको हम बोल देते हैं I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2 mr2, ठीक। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो गया 7/2 mr2, m इज द मास ऑफ ईच डिस्क एंड r इज द रेडियस ऑफ ईच डिस्क, ये हो गया, ठीक। लेकिन ये हमें अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट मिला है, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अब हम क्या करेंगे, इससे इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, ये जो हमारा इस हमें यहां तक पहुंचना है ना हमें, लेकिन पहले हम डायरेक्टली हम यहां तक पहुंचेंगे, ठीक। तो इसके अबाउट अपने को मोमेंट, तो ये रेडियस आ रहे हैं तो ये भी आ हो जाएगा, तो इस पॉइंट के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो हमें पता है कि अगर हम सेंटर को छोड़ के किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ती है। तो अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू क्या होता है ICM + MT2, तो ICM की वैल्यू हम यहां पर I1 ले रहे हैं, ठीक, और इसको हम ले लेते हैं I2। तो यहां से I2 क्या हो जाएगा, I1 कितना है 7/2 mr2 + m। अब हमें ये डिस्क का चाहिए, तो एक डिस्क नहीं बल्कि होगी साथ में छह लगी है ना इसकी, तो छह डिस्क का साथ में टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मास 6m और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी 2r, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये I2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 55/2 mr2, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि ये क्वेश्चन जेई मेंस 2018 का है, लेकिन नीट में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो जब ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था तो बस यहां तक पूछा गया था, 7 डिस्क है सेंटर वाली नहीं बल्कि साइड वाली डिस्क के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये नीट में पूछा जा चुका है। तो ये हम बस इसको यहां तक करके छोड़ देते हैं, अगर सिर्फ इस पॉइंट के अबाउट पूछा जाता तो। अभी एक पी पॉइंट के अबाउट भी पूछा गया है तो अब हम पी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट। अब हमें पी पॉइंट के अबाउट चाहिए, तो अब हम आगे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी। ये हमें 7 डिस्क का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I2 + MT2 और यहां पर I2 की वैल्यू 55/2 mr2, 50/5/2 mr2 प्लस हमें पूरे 7 डिस्क का P पॉइंट के अबाउट है, तो ये हो जाएगा मास 7m और डिस्टेंस हो जाएगी यहां से यहां तक पूरी 3r।
ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आएगा 181 by 2 mr square. This is the answer of your question.